नमस्कार, मैं हूं देवांजली मोइत्रा। कहा जाता है कि इंसान लालच में अंधा हो जाता है और उसी वजह से वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता और इसी कारण वो अपना, समाज का और इंसानियत का नुकसान करता है। ये बात नेपाल के पीएम केपी ओली पर सटीक बैठती, क्योंकि भारत ने अपनी जमीन का नया नक्शा क्या पारित किया। दूसरे के बहकावे में आकर नेपाली पीएम केपी ओली ने भारत के साथ बने सदियों पुराने रिश्तों को तार तार कर दिया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब लग रहा है कि केपी ओली की अक्ल ठिकाने पर आ गई और अब ओली भारत के प्रति अपने रुख में नरमी बरत रहे। जैसे कि पिछले महीने भारत के रॉ प्रमुख नेपाल के दौरे पर थे और नेपाल में रॉ प्रमुख का शानदार स्वागत किया गया और बड़े ही खुशनुमा माहौल में बातचीत की गई। उसके बाद अब थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे का नेपाल दौरा होना, जिसमें नाराजगी की जमी बर्फ को और हटाने का प्रयास किया जाएगा और उसी का नतीजा है कि नेपाल ने एक बार फिर विवेक का परिचय दिया और भारत के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जी, बात दरअसल यह है कि भारत और नेपाल के बीच रेल परियोजना चल रही है जिसका दोनों देश समीक्षा करते हैं, लेकिन विवाद और कोरोना की वजह से ये काम नहीं हुआ था। उसके बाद नाराजगी की बर्फ पिघली और अब दोनों देशों ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों की माने तो संयुक्त कार्य समूह ने भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लिंक के लिए तकनीकी तैयारियों पर चर्चा की। दोनों देश जयनगर और कुर्था के बीच यात्री ट्रेन चलाने के लिए मिलकर काम कर रहे। दोनों देश रेल परियोजनाओं के निर्माण में गति देने पर सहमत हुए। भारत की ओर से रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक ने इस समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल कैसे किसी तीसरे के बहकावे से निकलकर बाहर आ रहा है और भारत के साथ रिश्तों को गर्माहट दे रहा है। अब देखना होगा कि कितना भारत के साथ नेपाल आगे बढ़ता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि रिश्ते पटरी पर आ गए और चलने के लिए तैयार हैं।